गुरुवार को पुलिस लाइन परिसर में गोली चलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेनी दारोगा नवनीत तिवारी को गोली लगी। आमूरा रूप में गोली लगने से ट्रेनी दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया, आज पुलिस लाइन में एक सब इंस्पेक्टर है, कैंट थाने में तैनात है, उनका नाम नवनीत तिवारी है। वो जो पंप एक्शन गन होती है उसमें एक राउंड जो है वो फंस गया था, उसको निकलवाने के लिए पुलिस लाइन गए थे, तो उसी दौरान वहाँ पर दुर्घटनावश उसमें जो गोली है वो उनके जो मुंह है उसमें जबड़े पे लग गई और उनको तुरंत ही उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया और उनकी हालत तो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उनको जो अच्छे उपचार के लिए लखनऊ भेजा गया है। और बाकी इसमें जो भी एक जांच भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें एक जांच भी दे दी गई है जो सीओ लाइन कर रहे हैं।